फाइनली गाइस हम श्री कृष्ण वाटिका आ चुके हैं। यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक गुफा है जो डायरेक्ट पीर पहाड़ में निकलता है बताया जाता है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले गुफा दिखाते हैं यहाँ का। आपको बता दें गाइस, इस गुफा का निर्माण 1760 ईस्वी में नवाब मीर कासिम के द्वारा कराया गया था। यह गुफा अंग्रेजों के हमले से बचने के लिए बनाई गई थी। यही वो गुफा है जो कि कहा जाता है कि डायरेक्ट पीर पहाड़ में निकलता है। काफ़ी ऐतिहासिक गुफा है, मुगलों का शासन का ही यह गुफा है। आप देख सकते हैं ये गुफा अभी बंद है, फिलहाल बंद करवा दिया गया है। यहाँ अंदर जाना भी, प्रवेश मना है। तो आप लोगों को गुफा दिखा दिए, तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ ऐतिहासिक बातों को भी बताते हैं आपको। आप ये देख सकते हैं गाइस, ये दो मकबरा है। यह मकबरा मीर कासिम के बेटे प्रिंस बहार और बेटी राजकुमारी गुल का मकबरा है। आपको बता दें गाइस, जब गुफा से छुपकर दोनों बाहर जा रहे थे तब अंग्रेज के सिपाही ने दोनों को मार डाला था। उसी वक्त से इस वाटिका में दोनों का मकबरा बना दिया गया है। कुछ ऐतिहासिक रहस्य छुपा है ये कृष्ण वाटिका में, और काफ़ी खूबसूरत इस सजा दिया गया है ये कृष्ण वाटिका को। आप देख सकते हैं इसमें कोई एंट्री फी नहीं है, आप आराम से अपने फैमिली भाई जिसके साथ आते हैं आप आराम से बैठ के यहाँ बातें कर सकते हैं और ये पार्क का आप आनंद ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा ये छोटा पार्क बना दिया गया और काफ़ी कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को यह दर्शाता है। ये श्री कृष्ण वाटिका आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये कृष्ण वाटिका। आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये कृष्ण वाटिका। आप इसमें आराम से कष्ठनी गंगा घाट आएँ तो आराम से बैठ के यहाँ आनंद ले सकते हैं, इस प्राकृतिक का आप अनुभव ले सकते हैं और एकदम फ्रेश हवा प्राप्त कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं उधर धूप है, देखिए यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत सा ये कृष्ण वाटिका है, कष्ठनी घाट के बगल में ही है। यानी कि कष्ठनी घाट जैसे ही आप जाते हैं उससे पहले आपको ये देखिए वो कष्ठनी घाट है, उसी के बगल में ये कृष्ण वाटिका। इधर से रास्ता है, आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फी भी नहीं है इसका। आराम से बैठ के आप बच्चों के साथ आते हैं तो झूला भी है दो तीन गो, आप आराम से इस पार्क का पूरा मतलब आराम से एकदम पार्क में आए मस्ती भी कर सकते हैं एकदम अच्छे से। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत सा और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये, आप वो देख सकते हैं वो मकबरा है। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आप ये जगह आए थे या नहीं आए थे और हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम।